वाह पहलवानी दिखा रहे हैं, देखिए। दोस्त गोस्वामी जी ने रामायण में लिखे कि भूप सहस दस ए कहीं बारा, भूप सहस दस ए कहीं बारा, बारा माने दिन होता है रविवार सोमवार मंगल बुध वृष ऐसे, सहस माने हजारों फन से शेष नाग ने धनुष को पकड़ के रखी है आकर्षण में। नवग्रह दसो दिग्पाल पृथ्वी माता ने कही अरे मेरी बेटी की शादी है, तुम लोग जरा सहयोग करो, कोई अचित आदमी ना धनुष को तोड़ दे, पकड़ के रखो धनुष को, अप्रिय धनुष न तोड़ दे। भूप सहस दस एक ही बारह, कितना राजा है? 9999। जनकपुर के स्वयंवर में राजा कितना थे? 9999। बक्सर में है जहां तारिका वध हुआ बिहार में, वहां के एक कवि ने लिखा श्रीमन नारायण जी कि एक नहीं खे, वाह भोजपुरी भाषा है कि एक नहीं है तो कौन? तो परमात्मा राम, कि अगर 10,000 राजा होते तो धनुष टूटने में कोई संदेह नहीं था। तो गोस्वामी जी ने यह आपको रामचरितमानस की राधेश्याम रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, राधेश्याम जी। सब मंचन से मंच ऊंचा सुंदर बिसल पिसा, अमुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल वहां, अमुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल वहां। प्रथम विवाह जब बगीचा में मिलन होता है राम और सीता जी को, प्रथम विवाह हुआ, इसको कहते हैं प्रेम विवाह अथवा गंधर्व विवाह। दूसरा जयमाल विवाह जो अभी आपके सामने में होगा। तीसरा पर्ण विवाह, जो राजा जनक जी कठिन प्रण ठाने जो धनुहा को जब तोड़ेगा, अब वही बर के जोग कहा करके सीता से गांठे तोड़ेगा, बर के जोग कहा करके सीता से नाता जोड़ेगा, बर के जोग कहा करके सीता से नाता जोड़ेगा। ये पर्ण है। अब राजा जनक जी, राजा जनक जी चिंतित हो जाते हैं। मैंने सोचा था कि यह पृथ्वी पर वीर है इसलिए मैंने प्रतिज्ञा रखा, मगर अब यहाँ वीर से राजा जनक जी तो मन में चिंता करते ही हैं। राजा जनक जी चिंता तो करते ही हैं, लेकिन इसी बीच में महावली सतंगार आप कहां से पधारे हो?
मुझे कौन नहीं जानता, मैं लंकापति दशकन्या। अब धनुष तोड़ने के लिए आए हैं क्या? आवाज धनुष तोड़ने के लिए ही आए हैं। जय जय। ए दशकंधार, तुम्हारे लंका में अनिष्ट हो रहा है। अफसोस की बात है, लेकिन सीता तुम्हें तो लंका अवश्य ले जाऊंगा। अब जो ये पर्ण हम जो किया था कि ये पति क्या राजा ने जो धनुहा को जो तोड़ेगा वह बढ़ के जोग कहा करके सीता से गाथा जोड़ेगा। वह बढ़ के जोग कहा करके सीता से गाथा जोड़ेगा। मगर अब हम समझ गए कि पृथ्वी वीर से खाली है, इसलिए तेजा हुआ निज निज गृह जाहू अली खान भर बे विवाहू। अब अपने अपने स्थान छोड़ के अपने अपने घर जाए आ जाए। अब हम समझ गए कि मेरी कच्चे कच्चे धागा के तरह तोड़ कर रख दूंगा। लखनलाल जी ने आवेश में आ गए कि अगर घुड़ू बढ़ाता को आदेश हो जाए तो पूरे मनमंद को कच्चे घड़ा की तरह तोड़ करके टुकड़ी करके फेंक दू। ऐसा लखनलाल जी का संकेत अभी कानों तक आया। लेकिन लक्ष्मण जी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो विषमित समय शुभ जानी हो सिया रामा, विषमित समय शुभ जाने हो सिया रामा। उठहु राम मम भंजहु चापा हो सिया रामा, उठहु राम मम भंजहु चापा हो सिया रामा। हे राम उठे जनक को त्रास को मिटा दे। राम जी धनुष के निकट जा करके चार बार परिक्रमा करते हैं हाथ जोड़ करके। और कहते क्या है, अरे रखना लाज हमारे पूर्वज के धनुहियान, मेरे राज को रखना पूर्वज के धनुहिया। हाथ जोड़ते हुए धनुष के निकट आ गए हैं। लेकिन पूरे जनकपुर में आज हलचल है। सुनैना मैया मिथिलानी कहती है, अरे सुनैना मैया लगता है कि धनुष नहीं टूटेगा। मैया सुनैना जी अब धनुष तोरे नहीं कोई। 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 आए हैं मैया
जब राम जी हाथ डालते हैं धनुष पे तो जानकी जी को विश्वास हो रहा है। थोड़ा ताली बजाए। देखिए राम जी धनुष उठा करके रखे हैं।